उड़ा रही है हेलीकॉप्टर। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हेलीकॉप्टर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, केदारनाथ का व्लॉग है और बद्रीनाथ का। ऋषिकेश भी जाएंगे, हरिद्वार भी जाएंगे। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, मतलब अभी 5:30 बज रही है, फ्लाइट हमारी 7 बजे की है, तो हम निकलने वाले हैं। तो जो भी होता है मैं सब आपको बताती हूँ, व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। देखिए यार, केदारनाथ जा रही हूँ, अच्छा तो करूँगी। हर हर महादेव, गुड गुड। भैया कब से दिखाई नहीं मैं यार, कैसा लगा ना? बढ़िया लगा ना? तो मेरे पापा, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा पापा के पीछे। हेलो हेलो गौरीश। सो गाइज, अब हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए। फिर जैसे ही हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमारी देहरादून की फ़्लाइट है। तो जैसे भी होता है मैं आपको व्लॉग में बताती हूँ। तो अभी हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं, फ़्लाइट है देहरादून की, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। टाटा। क्या बोलूँ पायलट को, क्या बोलते हैं? बारिश को डर लग रहा है, क्या हो रहा है? देखना ये वापस। सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं देहरादून में और अब हम आ चुके हैं हमारी होटल में। और ये हूँ मैं, और मेरी हालत बहुत बेकार हो गई। अब मैं आपको अपना रूम बताती हूँ। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ मेरे रूम में। जिया कर रही है। हाय गौरीश, से हाय। हेलो गाइस, सो हम लोग हो चुके हैं रेडी केदारनाथ जाने के लिए। ये मेरा लुक है। बाय गाइस। तो हमारा लुक। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी हेलीपैड के यहाँ, और देखो वो रहा हमारा हेलीपैड। हेलीपैड पे ये अंकल हैं, ये गौरीश है, ये हमारी थोड़ी चिड़ोकली जिया है, मतलब वो अभी भी चढ़ रही है। मुंह बनाना इससे अच्छा कोई नहीं जानता। और ये मम्मी है, और ये सोनी है, वो हमारे हेलीकॉप्टर है। यस, हियर इज इट। Are you excited? बहुत ज़्यादा। Are you excited? बहुत ज़्यादा। Are you excited? इधर से निकल जाओ। And are you excited? Yes, बहुत ज़्यादा। और इनसे शुद्ध हिंदी में बात करेंगे हम। आप excited हो? Yeah. वो ज़्यादा इंग्लिश बोलती है ना कभी-कभी। तो इससे हिंदी में बात करो। So guys, हाँ मैं खींच रही हूँ, आ जाओ इधर भी। फोटो क्लिक करना है। एक फोटो बस। गाइस, ये हम आ चुके हैं और ये सब सामने बैठे हैं, और यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है।
आपको पता है एक चीज़ इतनी अच्छी हुई, जब मुझसे पायलट ने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उनने बोला मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है ताकि मैं इंस्टा पे डालूंगा और स्टोरी लगाऊंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और अभी आप आगे आ गया और देखो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। अभी मैं आपको आगे आगे बताऊँगी, पंडित जी वाली भी इतनी अच्छी चीज़ होगी। पंडित जी ने मुझे पहले ही बोल दिया था, इंस्टाग्राम पे बात हो गई थी, अब वो मुझे फॉलो करते हैं कि आप प्लीज़ 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 हमसे पूजा करवाना। बहुत अच्छा लगा उस वक्त। हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, आ गए हम फाइनली। बस आ रहे हूँ। कितने हैं टोटल आप लोग? तो हम लोग आ चुके हैं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। केदारनाथ आ चुके हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल लगी इस बार। पिछली बार इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा हेलीकॉप्टर चेंज हुआ, पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई और हम लोग पहुँचे हैं शाम 3-4 बजे पे पहुँचे हैं, और यहाँ का वेदर भी बहुत ऐसा लग रहा है ख़राब हो रहा है। हमारे दर्शन हो जाए, बस हमको बद्रीनाथ भी जाना है। तो गाइज हमारे दर्शन मंदिर के गर्भगृह में हुए हैं। आज बंद ही होने वाला था जब हम गए मंदिर, बस आज लास्ट था और हमारे सच में हो गए टचवुड। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मंदिर में वीडियो अलाउ नहीं था इसलिए मैं नहीं बना पाई, और वैसे भी मैं व्लॉग शूट नहीं करना चाहती थी और मुझे करना भी नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ दर्शन करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं पिछली बार गई थी तब कोरोना के कारण बंद था, और अब की बार मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं ले पाई, पूरा प्रॉपर इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि हम आगे से नहीं केदारनाथ के पीछे से थोड़ा सा रास्ते से गए थे, क्योंकि हमको मंदिर में जाना था डायरेक्ट। और पंडित जी से मेरी पहचान थी क्योंकि वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जानते थे, तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे दर्शन हुए मंदिर के गर्भगृह तक, वरना पॉसिबल नहीं था किसी का भी। तो पंडित जी को बहुत बहुत थैंक यू, अगर वो व्लॉग देख रहे हैं तो बहुत थैंक यू। चलो हमारे दर्शन हो चुके हैं, हाँ बढ़िया दर्शन हुए हमारे। कितनी भीड़ है। तो गाइस मेरे को लेंगे चलो, देखना था ये देखो इसकी उंगलियां दुख रही है, पैर दुख रहे हैं आज। गाइस आपको एक बात बताऊंगा, जो पूरी पूजा हो सकी ना वो हमारी सिर्फ सोनल के कारण हुई है आज। इसने कहा कैसी सेटिंग करी कि बढ़िया गर्भगृह तक दर्शन कर रहा है। आपको सच्चाई बताऊंगा, वो भी 3 बजे बाद जब गर्भगृह का मंदिर बंद हो जाता है। गाइस हम आ गए वापस से केदारनाथ, और दूसरी बार वापस से हमने यहाँ कदम रख दिया, और ये सोनल हमारे साथ है जिसके पैर दुख रख चुके हैं क्योंकि हम दर्शन करके निकल चुके हैं।
तो हमारे दर्शन गाइज हो चुके हैं अच्छे से। पहले हमको लग रहा था दर्शन होंगे या नहीं होंगे, बट बहुत अच्छे से हो चुके हैं। मम्मी अगर आगे हैं तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय केदारनाथ बाबा, हर हर महादेव। हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री केदारनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अभी हम पीछे वाले रास्ते से गए थे, वरना हम आगे वाले रास्ते से भी उस टाइम गए थे। मैं आगे वाले रास्ते का नहीं बता पाई, तो आप मेरे को मेरा पहला वाला ब्लॉग देख सकते हो। देखो ये बोल रहा है, ये हो गया मेरा तो नहीं हो गया। तो वाले जमीन पे आ गए, अब प्लेन अब मैं हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पा रहा। अपन यहीं रुके रहेंगे आप? भगवान से बोल रहा हूँ करवा दे क्या। बद्रीनाथ भी नहीं जा पाए गाइस, हम लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाए। तो गाइस जैसे कि मैंने देख अभी बोल रही हूँ, मौसम बिगड़ने के कारण बद्रीनाथ नहीं जा पाए, और अभी भी हमको मौसम बिगड़ने के लिए इसलिए थोड़ी देर हम कहीं रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे देहरादून डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जैसे हम आए थे। लेकिन बद्रीनाथ भी जाना था, लेकिन बद्रीनाथ का आज के दिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ का वेदर ख़राब था, और उन्होंने बोला था कि हम आपको कल ले जाएंगे बद्रीनाथ। लेकिन हमें थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि कल का भी मैंने वेदर देखा बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो फिर इसलिए हमारा मन नहीं था क्योंकि हमको डर भी लग रहा था कि इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं बाद में आ जाएंगे क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये ट्रिप बहुत ज्यादा एडवेंचर है। तो गाइज हम केदारनाथ से थोड़ा नीचे आ गए हैं, फाटा के साइड आ गए हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर में फ्यूल डल रहा है, तो जब तक हमने सोचा मैगी खा लेते हैं। तो अभी हम जब पहुंचेंगे तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। वैसे तो मैं व्लॉग एंड ही कर दूंगी, तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग एंड ही कर दूँ। तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बहुत सारा प्यार देना, और कमेंट में जय श्री केदारनाथ ज़रूर लिखना, और बहुत सारा प्यार देना इस व्लॉग पे। और ऋषिकेश का व्लॉग भी आने वाला है तो वो भी देखना। नेक्स्ट व्लॉग मैं ऋषिकेश का ही पोस्ट करूँगी, और इंस्टाग्राम पर जाके मेरी केदारनाथ वाली सब चीज़ें रील्स वील्स ज़रूर देखना। बाय गाइज़।